हम इंसानों को अपनी ज़िंदगी बहुत छोटी लगती है ना, लेकिन आज मैं कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिनकी लाइफ सर्कल हम इंसानों के कंपेयर में बहुत ज़्यादा कम होती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डोमेस्टिक रैबिट्स की, जिनका लाइफ सर्कल 8 से 12 साल ही होता है। अपने इतने कम लाइफ सर्कल होने के बाद भी ये फैट डिपोजिशन और यूटेराइन नाम के कैंसर से बहुत जल्दी अफेक्टेड हो जाते हैं। फीमेल्स रैबिट्स इनसे ज़्यादा जल्दी अफेक्टेड होती हैं। अपने इतने कम लाइफ सर्कल होने के पीछे इनकी फूड हैबिट एक मेन वजह होती है, क्योंकि ये बहुत हैवी अमाउंट में ऐसी वेजिटेबल्स का यूज़ ज़्यादा करते हैं जो जड़ वाली होती हैं, यानी रूट वेजिटेबल्स का ये ज़्यादा यूज़ करते हैं। अपने इतने कम लाइफ सर्कल होने की वजह से ही ये रैबिट्स बहुत जल्दी सेक्सुअल मैच्योर भी हो जाते हैं। नंबर दो पर आते हैं गिनी पिग। गिनी पिग बिल्कुल वैसे नहीं होते जैसे कि इनके नाम से लगता है, क्योंकि ये किसी भी पिग फैमिली से बिलोंग्स नहीं करते हैं और ना ही इनका किसी पिग फैमिली से रिलेशन होता है। इनका लाइफ सर्कल 4 साल या उससे भी कम होता है। इनका मेन फूड हरी घास यानी कि ग्रास रहता है। अपने इतने छोटे लाइफ सर्कल होने की वजह से ये गिनी पिग्स भी 3 से 5 हफ्ते के अंदर ही सेक्सुअल मैच्योर भी हो जाते हैं। गिनी पिग्स के छोटे बच्चों को पप्स कहते हैं। एक फीमेल गिनी पिग्स किसी बच्चे को बर्थ देने के बाद, यानी उसे 6 से 48 घंटे ही लगते हैं मैच्योर होने में, कि वो 6 से 48 घंटे में ही मैच्योर हो जाती है कि वो नेक्स्ट पप्स को बर्थ दे सकती है। हालांकि ये अलग बात है, इस तरह से अगर कोई पप्स जन्म लेता है तो उसकी हेल्थ पर अफेक्ट हो सकता है। नंबर 3 पर मैं बात करता हूँ मॉस्किटो फिश की। मॉस्किटो फिश, जैसे कि इसके नाम से ही शो होता है कि ये मॉस्किटो फिश, इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये मच्छर जो पानी के अंदर लार्वा अपना देते हैं, जिनसे नए मच्छर बनते हैं, उनको ये खा जाती हैं, इसीलिए इनका नाम मॉस्किटो फिश कहा गया है। तो जैसे कि इस बात से शो होता है कि ये मच्छरों की आबादी को रोकने में एक बहुत अहम भूमिका भी निभाती हैं। 2014 में चेन्नई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इन मॉस्किटो फिश की तादाद को 660 अलग अलग तालाबों के अंदर इन मॉस्किटो फिश को बढ़ाया भी था। नंबर 4 पर मैं बात करता हूँ हाउस माउस की। हाउस माउस, जैसे कि इसके नाम से पता चलता है कि ये हमारे घरों के अंदर ज़्यादा रहते हैं या इनकी आबादी उन जगहों पर ज़्यादा होते हैं जहाँ पर इंसान बसते हैं। हाउस माइस की लाइफ सर्कल सिर्फ 1 से 2 साल ही होती है। साइंस लैब में भी अगर किसी एनिमल्स के ऊपर अगर सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं तो वो यही एनिमल्स होता है। हाउस माउस से जितना हो सके हमें बचना चाहिए, क्योंकि इनके लार्वा के अंदर बहुत सारी बीमारियों के बैक्टीरिया वायरसेस जुड़े होते हैं, जिनसे हेंटा वायरस, फ्लू, टाइफस और प्लेग जैसी घातक बीमारियां भी हमें हो सकती हैं। नेक्स्ट नंबर पर मैं चलता हूँ तो आती है ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई, जैसे कि इसके नाम से शो होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ कुछ ड्रैगन की तरह होता है, इसीलिए इसको ड्रैगन फ्लाई कहते हैं। दुनिया भर में 5000 से भी ज़्यादा प्रजाति ड्रैगन फ्लाई की हमारे दुनिया में मौजूद हैं। वैसे तो इनका लाइफ सर्कल 4 महीने होता है, बट इतने वक्त तक ये सर्वाइव नहीं कर पाती हैं कि ये लिजर्ड्स, स्पाइडर्स और कई सारे अन्य जानवरों के द्वारा खा ली जाती हैं या उनका भोजन बन जाती हैं। तो इस हिसाब से इनका लाइफ सर्कल 4 महीने से भी बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा ये ज़्यादा ठंडे मौसम के अंदर भी अपने लाइफ को नहीं जी सकती हैं, यानी ज़्यादा ठंडे मौसम में भी ये सर्वाइव नहीं कर सकती। हाउस फ्लाइज हम सभी लोगों के घरों में होती हैं, लेकिन इसका लाइफ सर्कल हो सकता है बहुत से लोगों को नहीं मालूम हो। इनका लाइफ सर्कल 4 हफ्ते यानी कि 1 महीने से भी कम होता है, और एक्चुअली में मोस्ट इरिटेटिंग इंसेक्ट्स होता है। इनमें सबसे हैनाने वाली जो फीमेल्स हाउस फ्लाई के अंदर बात होती है वो ये होती है कि अपने इतने छोटे लाइफ सर्कल होने के बावजूद भी ये अपने लाइफ सर्कल में 1000 से ज़्यादा अंडे दे देती हैं। नेक्स्ट हमारी आती है ड्रोन आंट्स, यानी कि उड़ने वाली चींटियाँ। इनका लाइफ सर्कल 3 वीक्स होता है। ड्रोन आंट्स के अंदर फीमेल वर्कर्स होती हैं और मेल का बिहेवियर बहुत ही लेज़ी होता है। फीमेल्स का काम ही होता है नई नई कॉलोनीज बनाना, और जितनी भी वर्क्स डिपेंड रहते हैं वो ज़्यादातर फीमेल्स के ऊपर ही रहते हैं। इनका लाइफ सर्कल 3 वीक्स है, उससे भी कम होता है। और सबसे लास्ट में बात करूँगा मे फ्लाइज की। मे फ्लाइज, जिन्हें US में कैनेडियन सोल्जर्स और शेड फ्लाइज भी कहा जाता है, इनमें सबसे हैरानी की बात जो होती है वो होता है इनका लाइफ सर्कल, क्योंकि इनका लाइफ सर्कल सिर्फ 24 आवर्स ही होता है, यानी 24 घंटे में ही अपनी पूरी लाइफ जी लेती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने कम लाइफ सर्कल होने के पीछे ये क्या कर पाती होंगी या ये सेक्सुअल मैच्योर कब हो जाती होंगी।
तो ये सेक्सुअल मैच्योर हो जाती हैं जन्म देने के कुछ मिनटों के बाद ही। मेफ्लाई ज़्यादातर साफ पानी में अंडे देती हैं और कभी कभी ये उड़ते हुए भी पानी में अंडे दे देती हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा ही नया लेकर।